सरकारी संपत्ति को प्राइवेट सेक्टर को आज निजी क्षेत्र में बेचिएगा क्यों? क्यों बेचिएगा? इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को दो दो हाथ करना चाहिए रूलिंग पार्टी से। जिस तरह से दलितों को जलाया जाता है, मारा जाता, अभी देखा राजस्थान में आपने, एक दलित बच्चे को इस घड़ा से पानी पी लिया, उसको मार करके खत्म कर दिया। तो ये क्या चल रहा है भाई? एक खुला पत्र इसमें दो है, एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी को जो पहले हमने लिखा था वो भी है, और दूसरा आज जारी कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज को, सभी सारी पार्टियों को, देश की जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं सबको दिया है। और उसमें हमने, हम लोगों ने ये किया है कि भाई एक तो अपोजिशन को भी स्ट्रांग होना चाहिए, और इसमें हम लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग स्टैंड लीजिए, हम लोग इस देश के नागरिक हैं, हम लोगों को भी चैन से जीने का, इज्जत से जीने का है। ये मार काट मचाया हुआ है, जलाओ, मारो, पीटो, मॉब लिंचिंग करो, घर अपसी हैं तेन के नाम पर, तो आप लोग सिर्फ अपने पार्टी बचाने की लड़ाई लड़िएगा कि हम लोग आपको वोट देते हैं, हम लोग मर खप रहे हैं, इसके लिए भी स्टैंड लीजिएगा। आप स्टैंड लीजिए और खाली वचन से नहीं, बोलते हैं लेकिन आप मैदान में उतरिए। डरते क्यों हैं? लड़िए। तो ये सारा चीज उसमें लिखा हुआ है, समझ रहे हैं ना आप, हिंदी में है। ये मोदी जी वाला पहले लेटर है, आज जो हम जारी कर रहे हैं वो है अपोजिशन पर। लेटर की मुख्य बातें कुछ, मतलब जो आपने इसमें लिख रखी हो, मुख्य बातें इसमें भी हैं, लास्ट में कई पॉइंट आप बता दीजिए। हाँ, मुख्य बात लिख लीजिए, वही मुख्य बात बता रहे थे। मुख्य बात ये है कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जनगणना कराई जाए, और मुस्लिम दलित, ईसाई दलित को भी शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया जाए, और उनका कोटा बढ़ा करके, जो कोटा शेड्यूल कास्ट का पहले से है उसको बढ़ा के दिया जाए। दूसरा, हम लोग कह रहे हैं कि जो पूरे देश में, जैसे बिहार में अति पिछड़ा वर्ग का कैटेगरी, दो कैटेगरी है पिछड़ा वर्ग का, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2, उस तरह से पूरे देश में एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 किया जाए, केंद्र सरकार करे, पूरे देश में दो भागों में बांटे। तीसरी बात कि ये देश को, मोदी जी पूरे देश को निजी क्षेत्रों के हवाले कर रहे हैं, तो इसमें तो सरकारी नौकरियों का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, तो आप सरकारी नौकरियों को महत्व नहीं रह गया तो निजी क्षेत्र में भी आरक्षण कीजिए, निजी क्षेत्र में आरक्षण कर दीजिए, तो वहाँ सब सबको मिलेगा। फिर दूसरी बात यह है कि सरकारी संपत्ति को, प्राइवेट सेक्टर को आज निजी क्षेत्र में बेचिएगा क्यों? क्यों बेचिएगा? इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को, अपोजिशन पार्टियों को दो दो हाथ करना चाहिए रूलिंग पार्टी से। खाली ट्वीट करने से और खाली बयान देने से होगा? और अभी भी जिस तरह से दलितों को जलाया जाता है, मारा जाता, अभी देखा राजस्थान में आपने, एक दलित बच्चे को इस घड़ा से पानी पी लिया, उसको मार करके ख़त्म कर दिया। तो ये क्या चल रहा है भाई? ऐसे लोगों के खिलाफ आप लोग क्यों नहीं खड़ा होते हैं? ट्वीट करके, ये करके, खाली करने से, या असेंबली में, पार्लियामेंट में कुछ भाषण दे देने से ये कितने दिन तक चलेगा? वही देख लीजिए बिल्किस बानो के साथ क्या हुआ। तो ये दोनों तो अभी बहुत ज्वलंत मामले ना है।
तो बढ़ गई है, बल्कि अत्याचार पुलिस कस्टडी में लोगों का लोगों की जो हत्याएं हैं वो ज़्यादा पहले से ज़्यादा हो रहे हैं। सब चीज़ पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है, गरीब लोगों दलितों पिछड़ों पर अत्याचार बढ़ गया है। तो इस सारी चीज़ की जवाबदेही रूलिंग पार्टी जो कर रही है अपने एजेंडा, उसका खुला एजेंडा है। लेकिन ये जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो दलितों की हमदर्द कहती हैं, पिछड़ों की हमदर्द करती हैं, वो क्यों इतना डिफेंसिव लड़ाई लड़ रही हैं, एग्रेसिव लड़ाई लड़ें। और हम लोगों को इन लोगों से ज़्यादा शिकायत इसलिए है कि हम लोग इन लोगों को वोट देते हैं, हम लोग कोई कम्युनल पार्टी को वोट नहीं, हम लोग हर तरह की सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं। ये है, इसमें सब चीज़ है, एक दो पॉइंट सात आठ पॉइंट है, ले लीजिएगा। तो कितने मतलब कितने लोग हैं आप? हाँ, लिख लीजिए, सबका नाम लिखिए। हाँ हाँ, नाम है, आज एक सेकंड, हाँ हाँ हम बता रहे हैं सबका नाम, एक एक सब बता रहे हैं, एक सेकंड एक सेकंड, चला गया भाई। हाँ, ये मैं तो अली अनवर अंसारी अध्यक्ष हूँ, और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महल का, और रमजान चौधरी एडवोकेट साहब हैं, ये महासचिव हैं इसके संगठन के, अरुण मांझी साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, अरुण मांझी साहब, डॉक्टर तनवीर एजाज डीयू के प्रोफेसर हैं, डॉक्टर तनवीर एजाज, डॉक्टर सिद्धार्थ डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर सिद्धार्थ रामू सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, थॉमस मैथ्यू साहब वो हैं, नरेंद्र कुमार ट्रेड यूनियन लीडर हैं, उधर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, इरफान इंजीनियर हैं हरियाणा से, वीरेंद्र कुमार जी ये स्टूडेंट लीडर हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, और अति पिछड़ा समाज का जो अति पिछड़ा तबका है, इसीलिए हम लोग का ये शुरू से मांग है कि जैसे बिहार में पिछड़ा वर्ग को दो भाग में बटा है, तो कम से कम यहाँ पिछड़ा वर्ग को पूरे देश में दो दो भाग में बांटिए। तो उसके लीडर हैं, जेएनयू के हैं, तो ये हम लोग पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, और इसके लिए 18 सितंबर को एक बड़ा सम्मेलन दिल्ली में, 18 सितंबर को इसी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। आई दोनों जो मोदी जी की हम लोग चिट्ठी लिखे हैं और जो अपोजिशन को लिखे हैं, इन दोनों पर तमाम एकेडमिक्स के लोगों को बुला करके और हम लोग उसमें विचार करें कि क्या किया जाए। और इसके पहले हम लोग अभी जेएनयू में मीटिंग हुई है, अभी लखनऊ में हम लोगों की मीटिंग हुई है, अभी गया में बिहार में मीटिंग हुई है, भागलपुर में मीटिंग हुई है, बॉम्बे में मीटिंग हुई है, तो देश भर में ये अभियान हम लोग चला रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान मत करो, हम लोग सब हिंदू मुस्लिम दलित पिछड़ा, हम लोग सब लोग बहुजन है, बहुजन की दावेदारी का सम्मेलन होगा, ये पसमांदा बेदारी बहुजन दावेदारी सम्मेलन होगा 18 सितंबर को, बहुजन पसमांदा बेदारी, पसमांदा बेदारी, बेदारी बेदारी माने जागृति, आप बहुजन दावेदारी सम्मेलन, उसमें देश भर के जो प्रोमिनेंट इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको हम लोग बुला रहे हैं, और यहाँ सम्मेलन होगा, बड़ा सम्मेलन होगा। कौन कौन आ रहे हैं सर उसमें? अब उसमें हम लोग बताएंगे एक एक ही बार, सब अभी नहीं। ये है पहले एक आध नाम, ये पहले एजेंडा, ये एजेंडा आ गया, समझ रहे हैं ना, इस ये एक एजेंडा फ्लोट कर दिया हम लोगों ने, और इस पर बड़े
ये पर अभी सबका कंसेंट अभी टाइम है, बताएंगे हम। इसी 18 हाँ 18 सितंबर को, 18 सितंबर को। दिसंबर में केरला में करने का प्रस्ताव में रख रहे हैं। हाँ केरला दिसंबर में। हाँ केरला में। हाँ जी यही एजेंडा पे बहुत बड़ा सम्मेलन सम्मेलन केरला। अभी बंगाल में करने जा रहे हैं अरुण मांझी साहब करने जा रहे हैं। अभी काम भी करेंगे दिसंबर महीने में। अभी ये पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश में अति पिछड़े समाज को लेकर के बैठक की बात हो रही है, तमाम तैयारी हो रही है। एक एक करके सब हम लोग माने आप लोगों को शेयर करेंगे बुला करके।